पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जिस तरीके से सदन में ये बोलिए तो सदन में जदयू के जो अब पैच। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के 8 मंत्री अब मंत्रिमंडल में चले गए, मोदी कैबिनेट में चले गए। ललन सिंह की मैं बात करूं तो जिस तरीके से सदन में गरजते हुए ललन सिंह दिखाई दिए वक्फ बोर्ड को लेकर, जो बिहार में जदयू वक्फ बोर्ड को लेकर एक तरीके से समर्थन नहीं कर रहा था केंद्र का, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर छटकने का जदयू को डर था, तो अब जदयू के ललन सिंह सदन में इसकी समर्थन करते दिखे थे। जिस तरीके से सदन सिंह गरजते दिखाई दिए थे, आपको हमने दिखाया था कि सदन ललन सिंह ये बात बोल रहे थे कि कोई भी मुस्लिमों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। और जो लोग अल्पसंख्यक की बात करते हैं, कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक की बात करती है, ये वही लोग हैं जो पंजाब के लोगों को दौरा दौरा कर मारे थे, तो ये अल्पसंख्यक की बात कैसे करते हैं। ललन सिंह ने सदन में गरजा और सदन में गरजने के साथ एक तरीके से वक्फ बोर्ड का पूरे तरीके से समर्थन किया गया था। बता दें कि वक्फ बोर्ड में टोटल 40 संशोधन हुए हैं, जिसमें जो गैर जो जमीन है जो जिसपे कुछ दबंग मुस्लिमों ने कब्जा करके रखा है उनको वहां से हटाने के लिए ये कानून में संशोधन किया गया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक का इसमें बयान था कि जब अयोध्या के बिल में गैर हिंदू शामिल नहीं हो सकते हैं तो हमारे इस वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों शामिल हो रहे हैं। तमाम चीजों पर बयानबाजी का क्या बाजार गर्म था, बिहार से तमाम बयानबाजी जारी थी। बता दें कि उसको लेकर शकील अहमद ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था और ये कहा था कि ललन सिंह जो है गिरगिट है, रंग बदलते हैं। जब महागठबंधन में नीतीश थे तो किस तरीके से बीजेपी के बारे में बुरी बुरी बातें बोलते थे और आज देखिए। लेकिन अब बता दें कि ललन सिंह पटना पहुंचे हैं, पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने गुस्सा दिखाया है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों ने उनसे जब ये पूछा कि राजद विरोधी है आपको बताया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा ख्याली पुलाव पकाना विपक्ष का काम है, विपक्ष के काम करने दीजिए उनको, अपना काम उनका काम ही है ख्याली पुलाव पकाना, तो वो और क्या करेंगे। ललन सिंह ने सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया है और मुश्किल में अब राजद को डाल दिया है। जिस तरीके से ललन सिंह गुस्से में दिखाई दिए हैं वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब ललन सिंह जो है एक तरीके से समझिए तो साफ साफ गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और ये बता दिया है कि राजद जो है अब ख्याली पुलाव पका रहा है, पकाने दीजिए। ललन सिंह का बयान दे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। राजद और मजबूत होगी, ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाए। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा हुआ। आरक्षण को लेकर भी कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी हो गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।